500 सालों के विवादित संघर्ष का अंत हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की शुभ घड़ी आ गई। सोमवार को गणेश पूजा के साथ 3 दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया। अयोध्या और बनारस के 21 पंडित पूजा अनुष्ठान करवा रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे। साल में एक बार होने वाली निशान पूजा भी होगी। 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमान जी को साथ लिए बिना राम का कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। पूजन कार्यक्रम 5 अगस्त तक चलेगा। 3 दिन तक होने वाली पूजा में 21 विद्वान ब्राह्मण शामिल हैं, जो अलग अलग पूजा विधि विधान के ज्ञाता हैं। साथ ही अयोध्या के सभी मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहे हैं। अयोध्या नगरी में दीपक जलाए जा रहे हैं। लोगों ने अयोध्या को फूलों से सजाया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के अतिरिक्त जिला प्रशासन स्तरीय आयोजन की पूर्ण तैयारी हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक पंचायत समिति फलोदी के सभागृह भवन में आयोजित की गई। 15 अगस्त का कार्यक्रम राजकीय सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल के पीछे वाले प्रांगण में होगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा 8:30 बजे ध्वजारोहण करना तय हुआ है। सभी विभागों स्कूलों में 7:30 को वो उपखंड कार्यालय में 7:45 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में 8 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम कोरोना महामारी के कारण मेजर शैतान सिंह स्टेडियम के स्थान पर समारोह का स्थल राजकीय सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल के पिछले मैदान में आयोजित किया जाएगा। मीटिंग में इन मुख्य बातों पर चर्चा हुई। मैदान की सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था, अंदर बाहर लाइनिंग व्यवस्था, समारोह स्थल, स्कूल मैदान पर सजावट कार्य, स्वतंत्रता दिवस समारोह में पधारने हेतु निमंत्रण पत्र तैयार करवाने व भिजवाने की व्यवस्था, मंच व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा अग्निशमन वाहन सुनिश्चित करवाने हेतु सभी विभागों को जानकारी दी गई। साथ ही SDM यशपाल आहूजा द्वारा कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए विशेष हिदायतें दी गई एवं सभी को मास्क लगाकर